नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में राजू श्रीवास्तव ने लोगों को जमकर हंसाया, बोले मुंह बंद कीजिए वरना कोई आरटीपीसीआर करके चला जाएगा। दिन में बिजली दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर लगा दिया जाम। गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदिर परिसर में शहीद बिपिन रावत और अन्य सिपाहियों के शहादत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ आयोजित। अब खबरें विस्तार से। जयपुर समारोह 2021 के तहत रविवार रात सेलिब्रिटी इवनिंग में म्यूजिक एंड कॉमेडी शो हुआ, जिसमें राजू श्रीवास्तव ने लोगों को खूब हंसाया। मंच पर आते ही फोटोग्राफर को अपनी फोटो क्लिक करते देखकर मुस्कुराते हुए राजू श्रीवास्तव बोले, अरे कंगारू की तरह एक फोटो ले लो, यही फोटो छपेगी। उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाने के लिए पोज दिया, फिर कहा सीधा रैली से सब लोग यहीं आ गए। तभी तालियों की गड़गड़ाहट से बिड़ला ऑडिटोरियल गूंज उठा। राजू श्रीवास्तव ने प्रोग्राम में मौजूद जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धाबाई और डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट से कहा कि आप दोनों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने जिंदा आ सकूं। लाइव का मतलब भी तो वही है। तभी एक महिला राजू और दर्शकों के बीच से होकर गुजरी तो तपाक से वो बोल पड़े, ये मैडम चुनाव लड़ने जा रही है। तभी ठाके लगाते हुए एक आदमी का मुंह उन्हें खुला नजर आया। फिर क्या था, राजू श्रीवास्तव बोले, भाई साहब आप मुंह बंद कीजिए वरना कोई आरटीपीसीआर करके चला जाएगा। फिर से हंसी ठाकों से पूरा ऑडिटोरियल गूंज उठा। राजू ने मौजूद लोगों को बताया कि मेरा जिंदगी में एक ही मूल मंत्र है कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग हाथ जोड़कर कहें, भाई तू रहने दे, हम ही कर लेंगे। अब खबर भरतपुर जिले के बयाना से, जहां दिन में बिजली दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बयाना हिंडौन सड़क मार्ग के गांव धारेन पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों को बिजली विभाग के अधिकारियों ने दिन में बिजली दिए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला। करीब 3 घंटे तक जाम में फंसे लोगों ने जाम खुलने के बाद जाम में फंसे वाहनों को निकाला, जिसके बाद उन्हें राहत मिली। ग्रामीण व किसान भाइयों, जैसा मुझे अभी किसान भाई ने बताई कि पहले जैसे चल रहा था और लोड जो भी है उस हिसाब से वो रखा जाए। हाँ, आप सब ज़्यादातर ऐसे होंगे कि पिछली बार हमने ये जनवरी फरवरी में जब भी बिजली कट चालू किया था, आपको ही पता है विगत 10 साल से बिजली कट 2010 में सेंसर हो चुका था आपका, लेकिन किसी कारणवशों से ये चालू नहीं हो पाया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है कि हमारी जैसे 5 बजे से 11 चल रही थी और 11 से 6 चल रही थी, वही लाइट चाहिए हमारे लिए। इस पे कोई लोड नहीं है, रसेरी फीटर पे 56 का लोड है, धादरिन फीटर पे 80 का लोड है, और कोई लोड नहीं है। आईएन के कारण ये रात में करी जा रही है। 10 साल से लाइट दिन में आ रखी थी और दिन में ही देते थे, अभी ये कर्मचारियों की बदमाशी के कारण हमारी रात में कर रहे हैं, और रात में इतनी सर्दी है कि किसान बड़े बूढ़े हमारी लेडीज 40% लेडीज हमारा पानी लगाती हैं, क्योंकि उनके आदमी नहीं है और लेडीज भी यहाँ से पूरे फीडर पे। तो एक साल पिछले साल से हमारा दिन में चल रहा है, अभी ये कर्मचारी हमारे साथ में बदमाशी करके और इस लाइट को रात में कर रहे हैं। आज ये हमारी मांग ये है कि हम रात में लाइट नहीं, हमारे को दिन में दी जाए। इस पे 2 ही फीडर हैं और इस पे कोई लोड भी नहीं, कोई लोड नहीं है, पहले से 2 फीडर हैं और रशे और वैसे रहने चाहिए, यथा स्थिति हमारा फीडर रहना। अब खबर सिरोही जिले से, जहां पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शनिदेव धाम मंदिर उड़ावाड़ा नया सामवाड़ा पर वार्षिक मेला वार्षिक उत्सव मंगलवार को आयोजित हुआ। मंदिर महंत परम पूजनीय श्री दीनदयाल महाराज के सानिध्य में पंडितों द्वारा सवेरे से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हवन आयोजित हुआ। प्रातः शनिदेव भगवान का विशेष श्रृंगार कर आंगी रचाई गई। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे शनिदेव की महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें शनि भक्तों ने शनि जयकारों के साथ महाआरती में भाग लिया। तत्पश्चात मंदिर ध्वजारोहण एवं यज्ञ पुनराहुति का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने शनिदेव के जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ भाग लिया। खबर बीकानेर से, जहां कोलाय क्षेत्र के ढेह गांव के नवविवाहित दंपत्ति कंचन कंवर और नरेंद्र सिंह ने पौधा लगाकर नया संदेश दिया। कंचन कंवर के भाई समाजसेवी दिलीप सिंह राजपुरोहित से प्रेरणा लेकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दूल्हा दुल्हन ने शादी संपन्न होने के बाद एक पौधारोपण और परिजनों को
आजीवन उसके संरक्षण करने का संकल्प दिलाया। दुल्हन कंचन कंवर पुत्री पदम सिंह राजपुरोहित ने विवाह संपन्न होने के बाद मायके से विदा होने से पूर्व मायके वालों को अनूठा उपहार दिया। समाजसेवी दिलीप सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उनकी बहन को दहेज में अपनी बहन के बारात में आए बारातियों को 101 पौधे दिए और ग्रीन विवाह किया और बारातियों गए मेहमानों को एक एक पौधा भेंट किया। इस दौरान कंचन कंवर के पिता पदम सिंह राजपुरोहित, भाई चैन सिंह राजपुरोहित, सुखदेव सिंह राजपुरोहित, करणी सिंह पुरोहित आदि उपस्थित रहे। खबर जोधपुर से, जहां तिवरी पंचायत समिति के गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर परिसर में कुन्नू तमिलनाडु में शहीद बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS अन्य सिपाहियों के शहादत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन में प्रधानाचार्य गणेश उपाध्याय ने 5 मिनट तक मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में प्रधान नीलम मेघवाल ने बिपिन रावत की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सपूनिया, पूनम चंद दाधीच, समाजसेवी भूरा राम और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।